आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं, ओम शिव का भी जाप कर सकते हैं। जैसे आप सुविधा समझे वैसा ही आप महाशिवरात्रि में जाप कर सकते हैं। तो देखिए शिवरात्रि आ रही है आपकी, और इसमें आप करिएगा किसी भी स्वर में आप कर सकते हैं, अजपा जाप कर सकते हैं, इसमें स्वर का कोई विधान नहीं है। सूर्य स्वर में भी कर सकते हैं, चंद्र स्वर में भी कर सकते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी में भी कर सकते हैं। अजपा जाप होता है ये विशेष महत्वकारी जो मैंने आपको बतलाया वो होता है। इसके अलावा देखिए साथियों, शंकर जी जो होते हैं उनका आपने रूप देखा होगा, शंकर जी महादानी होते हैं और ज्ञानी तो होते ही हैं, महादानी होते हैं और दयावान भी होते हैं। दयावान कैसे होते हैं देखिए साथियों, ये किसी भी प्रकार के प्राणी को सुर असुर सभी पर अपना दया भाव दिखलाते हैं। कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनके ना तो पैर हैं चलने के लिए, ना ही हाथ हैं हाथों से काम करने के लिए खाने पीने के लिए, ना ही उनके दांत हैं जिससे कि वे खा सकते हैं, ना ही उनके पंख हैं जिससे कि वे उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ना ही वे सुन सकते हैं क्योंकि सर्वशक्ति भी उनके पास नहीं है। ऐसे प्राणी के ऊपर भी उन्होंने महान उपकार करके अपने गले का हार बनाया जिसको जो है नाक कहते हैं। तो नाक में देखिए आपके ना तो हाथ ना पैर ना पंख और ना ही दांत काटने के लिए होते हैं जिससे कि बचाव कर सकें, लेकिन शंकर भगवान की ऐसी दया हुई कृपा हुई कि उनके में ऐसा विष धारण कर दिया कि वह सर्प कहीं भी मिल जाता है तो वह काल का रूप हो जाता है। तो विष के द्वारा ही होता है, लेकिन बहुत ही कम ऐसी प्रजातियां हैं सर्पों की, 1-2% ही जिसमें विष पाया जाता है, बाकी किसी में भी विष नहीं होता है। तो विष के कारण ही ये सांपों की प्रजातियां बची हुई हैं। अगर विष नहीं होता तो अब तक इस जाति समाप्त हो चुकी होती। तो इस प्रकार से शंकर भगवान भोलेनाथ हैं। और देखिए आप करुणा निधान कितने हैं कि जन कल्याण के लिए लोक कल्याण के लिए उन्होंने अपने शीश पर गंगा को भी धारण किया जो कि किसी भी देवी देवता में समर्थ नहीं था, और हलाहल जहर को भी उन्होंने पिया जिससे कि वह नीलकंठ कहलाए, जिससे कि और किसी में सामर्थ नहीं था। तो करुणा के कारण दया के कारण ही उन्होंने ये सारे काम किए, और अपने भक्तों को वो सब कुछ दे देते हैं अगर मन से भक्ति की जाए, क्योंकि वह अपने पास कुछ भी नहीं रखते हैं, सिर्फ भभूति लगाए ही रहते हैं। तो ये उनका जो है आकृति है, हम भक्तों के द्वारा मानसिक रूप से इनकी आकृति निर्धारित की गई है। तो देखिए इस प्रकार की आकृति होती है शंकर भगवान की। एक होता है शिवजी होते हैं जिसको शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग क्या होता है, कोई भी आपने आकृति देखी होगी शिवलिंग की, शिव का मतलब होता है सत्य, शिव सत्य स्वरूप होता है, इसमें कोई ये निराकार होता है, सत्य स्वरूप होता है, क्योंकि पत्थर में कोई भी उसमें अशुद्धियां नहीं होती हैं, वह बिल्कुल शुद्ध होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। और किसी भी प्रकार की धातु का लिंग बनाएंगे, शिवलिंग बनाएंगे, तो उसमें कई प्रकार की धातुओं का मिश्रण किया जाता है, लेकिन जो पत्थर के शिवलिंग होते हैं तो पत्थर में कोई मिलावट नहीं होती है, तो वह सत्य स्वरूप होता है। और वो सुंदर होता है, इसलिए सुंदर होता है क्योंकि हम अपनी भावना उसमें प्रेरित करते हैं, अपनी भावना चूंकि सुंदर होती है, जैसी भावना जैसी रही जाकी, भावना प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी आप जानते ही हैं। तो देखिए शिवलिंग के सामने अगर आप किसी भी प्रकार की पूजा करते हैं
शिवलिंग का मतलब तो मैंने आपको बदला दिया, सत्य स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है और किसी भी प्रकार की देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता या इससे जो भी अधिक और भी देवी देवता है उनकी आप इसके अंतर्गत आराधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि शिवलिंग पर शंकर भगवान की ही आराधना की जाए, आप किसी भी देवी देवता की जो आप मानते हैं उसकी आप आराधना कर सकते हैं, क्योंकि ये जो शिव स्वरूप है ये एक पिंडाकार है और इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और ब्रह्मांड में आप जानते ही हैं पांचों तत्व समाये हुए हैं, आकाश तत्व भी समाया हुआ है, वायु तत्व भी समाया हुआ है, सभी तत्व समाये हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है और ब्रह्मांड में चूंकि आप भी मौजूद हैं तो आप भी उसमें समाये हुए हैं, आपकी भी उसमें पूजा हो जाती है, पूजा अर्चना हो जाती है क्योंकि आप भी एक जो है प्रकृति की इकाई है। तो किसी भी देवी देवता की पूजा जब की जाती है शिवलिंग के सामने तो मन की तरंगें जो होती हैं